प्यारे बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किए थे। अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, ये चारों क्वेश्चन एक पैटर्न के हैं। सब में क्या करना है, आपने जो अननोन है एक्स वाई उनकी वैल्यू बतानी है। तो सिंपल कंपैरिजन करना है, जैसे पहले 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, फिर ऐड करेंगे, उसके बाद इनका कंपैरिजन करते हुए एक्स वाई की वैल्यू बताएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन 10, 11, चलो मैं एक 12th ले लेता हूँ, ध्यान दीजिए। थ्री इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू, मैं इसे ऐड करके लिख देता हूँ डायरेक्टली, एक्स प्लस फोर एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स माइनस वन प्लस जेड प्लस डब्ल्यू एंड टू डब्ल्यू प्लस थ्री। इसका कंपैरिजन करेंगे बच्चों, पहले 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे तो ये बन जाता है 3x, 3x, 3y, 3z, 3w। अब आप कंपैरिजन करिए तो 3x इक्वल टू एक्स प्लस फोर, सेकेंड इक्वेशन 3y इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स, 3z इक्वल टू माइनस वन प्लस जेड प्लस डब्ल्यू एंड 3w इक्वल टू 2w प्लस थ्री। सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन से आप देखो 3x माइनस एक्स 2x इक्वल टू फोर और x इक्वल टू टू। ये y इधर आ गया बच्चों और x की मैंने वैल्यू यहाँ पर 2 शिफ्ट कर दी, तो 3y माइनस वाई कितना हो गया बच्चों, 2y इक्वल टू 2 प्लस 6 8 और y इक्वल टू कितना हो गया 4। ऐसे ही अब आप देखो ये लास्ट इक्वेशन से 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, 2w को लेफ्ट में ले आइए तो w इक्वल टू 3, w की वैल्यू इसमें शिफ्ट कर देंगे तो ये बन गया आपका 3z माइनस z कितना 2z, w हो गया बच्चों 3, 3 माइनस 1 कितना 2, तो इट मीन्स z इक्वल टू 1। तो आपके पास x y z w सब की वैल्यू आ गई। ऐसा आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये चारों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 आप कर लेंगे। अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में एफ एक्स आपको गिवन है, आपने प्रूव करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। देखना है एफ एक्स गिवन है बच्चों कितना, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स और 0 एंड दिस इज 0 0 1। अगर मैं इसी से ही देखना चाहूँ एफ वाई कितना होगा, तो कोस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन एक्स था ये ऊपर, साइन वाई कोस वाई 0 और 0 0 1। आपसे प्रूव कराया है टू प्रूव एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। अगर मैं इसी उससे आपसे पूछूं कि एफ एक्स प्लस वाई कितना होगा, जरा देख कर बताएंगे, तो एफ एक्स प्लस वाई होगा आपका, ये राइट साइड है, ये होगा बच्चों कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 और ये साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई 0 एंड दिस इज 0 0 1। ये आपकी राइट साइड। अब लेफ्ट साइड देखना, एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ एक्स था बच्चों कितना, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0, दिस इज 0 0 1 इंटू कोस वाई माइनस साइन वाई 0,
साइन वाई कोस वाई जीरो एंड जीरो जीरो वन। तो आप रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बन गया कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। सेकेंड मेंबर माइनस कोस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई। और थर्ड मेंबर बच्चों जीरो 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 जीरो। अब देखना सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई दिस इज माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई। और ये देखो फिर जीरो, ये हो गया बच्चों जीरो जीरो वन, तो जीरो जीरो और जीरो 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 एंड दिस इज जीरो जीरो वन वन जा वन। देखिए जरा कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई ट्रिग्नोमेट्री की आईडी है बच्चों कितनी, कोस एक्स प्लस वाई। इससे नेगेटिव कॉमन ले लीजिएगा तो ये बन जाता है साइन एक्स प्लस वाई आईडी, ये जीरो, ये डायरेक्टली साइन एक्स प्लस वाई की आईडी है और ये डायरेक्टली कोस एक्स प्लस वाई की आईडी है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये वन। तो आप देखो ये आपकी लेफ्ट साइड थी ऊपर, इट मीन्स एफ एक्स प्लस वाई, सो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, तो ये प्रूव हो जाता है। इस तरीके से आप इसे करेंगे, जहां प्रॉब्लम होगी कोई समझ में नहीं आए तो मुझे पूछेंगे। अब बच्चों देखो क्वेश्चन 14 में इनका मल्टीप्लाई दोनों का करना है, इनका दोनों का करना है और दिखाना है कि इक्वल नहीं है, यही काम इसमें करना है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 15 16 17 ये तीनों एक जैसे ही हैं, आप इन्हें ट्राई करेंगे। चलिए मैं कोई सा एक करा देता हूँ, मान लो मैं 16 कराता हूँ, ध्यान दीजिए 16th क्वेश्चन में बच्चों ए गिवन है आपको 102 021 और 203। आपने प्रूव करना है टू प्रूव ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी। हियर आई स्टैंड्स फॉर दिस वन 100 010 001, यूनिट मैट्रिक्स है, कितने का जितने का ये मैट्रिक्स है। तो पहले मैं ए क्यूब निकालूंगा ए स्क्वायर निकालूंगा, ए भी पता है मुझे, तो सबकी वैल्यू यहाँ शिफ्ट करके इसे जीरो प्रूव करूंगा। जरा देखिए पहले ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, ये ए इंटू ए, इन्हें मल्टीप्लाई करिए बच्चों, वन वन जा वन जीरो, टू टू जा फोर प्लस वन हाउ मच फाइव, ये जीरो ये जीरो ये भी जीरो, दिस इज टू दिस इज जीरो दिस इज सिक्स, सिक्स प्लस टू कितना एट, जीरो जीरो वन टू जा टू दिस इज जीरो, टू टू जा फोर दिस इज जीरो फोर, दिस इज जीरो दिस इज टू वन जा टू प्लस थ्री फाइव। अब थर्ड रो टू वन जा टू ये जीरो, थ्री टू जा सिक्स, टू प्लस सिक्स कितना एट, जीरो जीरो जीरो, ये बन गया टू टू जा फोर जीरो और नाइन, फोर प्लस नाइन कितना थर्टीन, ये हो गया ए स्क्वायर। अब मैं निकालूं ए क्यूब, ए क्यूब क्या होगा बच्चों ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर मैं निकाल चुका हूँ, फाइव जीरो एट
2 4 5 8 0 13 into 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 मल्टीप्लाई करिए ए क्यूब. दिस इज 5 1 5 0 8 2 16 +5 हाउ मच 21. ये 0 0 0. दिस इज 10 0 24 24 +10 कितना 34. 2 1 2 0 10 10 +2 12. दिस इज 0 दिस इज 8 दिस इज 0 तो 8. दिस इज 2 2 4 +4 8 +15 23. 8 1 8 +0 +26 26 +8 34. दिस इज 0 0 0. ये हो गया 8 2 16 0 और 39. 16 +39 हो गया कितना बच्चों 55. अब हम देखते हैं उसकी लेफ्ट साइड क्या थी. लेफ्ट हैंड साइड वो थी बच्चों ए क्यूब माइनस 6a² +7a +2i. तो ये पूरी वैल्यूज मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा. ए क्यूब की वैल्यू रखता हूँ 21 0 34 12 8 23 34 0 55 -6a² ए स्क्वायर को मैं 6 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो 6 5 30 0 48 12 24 30 48 0 और 13 6 78 +7a. ए को बच्चों में 7 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो 7 0 14 0 14 और 7 then 14 0 और 21 +2i मतलब i है यूनिट मैट्रिक्स तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2. अब आप देखिए इससे क्या सोल्व करेंगे. सबको ऐड करेंगे तो देखो 21. ये हो गया बच्चों प्लस का 7 प्लस का 2. 7 +2 कितना 9. 21 +9 30. 30 -30 0. तो दिस इज 0. सेकेंड मेंबर देखो 0 0 0 0 सब जगह 0. 34 ये हो गया माइनस के 48. -48 +14. अब 34 +14 करो तो 48 -48 0. ऐसे हर मेंबर इसका 0 आएगा. नल मैट्रिक्स कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेंगे अदरवाइज 0 ही आएगा. इट मीन्स नल मैट्रिक्स और उसकी वैल्यू क्या होगी 0. तो ये आपका प्रूव हो जाता है. क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो गया और इससे अगला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा.